हेलो लेडीज, वेलकम टू माय चैनल दिशाज रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अब हम लोग देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज। तो आज ऐसे ही एक अच्छी सी रेसिपी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज मैंने लिया है आलू का किस बनाने वाले हैं हम लोग, जो बहुत ही आसान तरीके से बनेगा व्रत के लिए, नवरात्रि के लिए, उपवास के लिए। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है, तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के रेसिपी के लिए। तो ये मैंने आलू लिए हैं, तो किस करने के लिए, तो ये दो मैंने आलू, थोड़े से दो आलू मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे और इसका जो छिलका है वो निकाल लेंगे सबसे पहले। तो ये मैंने लिया है एक गिलास पानी, तो इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून ऑफ नमक डाल देंगे, डिजोल्व होने देंगे इसे। और उसके बाद ये जो आलू हम लोगों ने लिए है वो कद्दूकस कर लेंगे, छोटा बड़ा जैसे आपको चाहिए आप अपने हिसाब से कर ले। कद्दूकस कर लिए हैं मैंने, तो ये जो पानी लिया है उसमें मैं ये डाल दूंगी ताकि हम लोग जब तक आगे की प्रोसेस करें हमारे जो आलू है वो काले ना पड़े, क्योंकि हमें पता है कि ये तुरंत थोड़ा सा काला पड़ जाता है और इसलिए उसकी टेस्ट थोड़ी सी भी काला हो गया तो खराब हो जाती है। तो ये अच्छे से अंदर से वॉश भी हो जाएगा और काला भी नहीं पड़ेगा, तो इसे मैं रख देती हूँ साइड में। तो पैन मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, तो सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच देसी घी। देसी घी का ही उपयोग करें क्योंकि टेस्ट में भी बदलाव आ सकता है। घी अच्छे से गरम हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी जीरा 1 टेबलस्पून, और इसमें मैं डालूंगी 2 पीसे हुए हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो, इसे सॉटे कर लेंगे। तो मिर्ची और जो जीरा है वो अच्छे से सॉटे होने के बाद जो हम लोगों ने ये आलू लिया था वो थोड़ा सा ऐसे हाथ में लेके निचोड़ लेंगे, उसका पानी निकाल देंगे हम लोग। अगर आपको तुरंत बनाना है तो पानी में आप 2 से 3 मिनट के लिए डाल दें। अगर आप पहले से उसको कद्दूकस करके रखना चाहते हो तो थोड़ा सा जैसे हम लोगों ने पहले नमक डाला फिर उसमें आलू डाले, वैसे भी आप करके 2 से 3 घंटे के लिए इसे आराम से रख सकते हो। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। और अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, अब ये सब तड़का लगाने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए ये ढक के पका लेंगे ताकि आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अभी लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अच्छे से थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होना चालू हो गया है आलू। अभी हम लोग इसमें डालेंगे ये मूंगफली मैंने पीस कर लिए, इसे पहले हमको अच्छे से सेक लेना है और फिर हमें इसे बारीक पीस लेना है, बहुत बारीक नहीं, थोड़ा सा दरदरा पीसना है इसे। इसे सिंगाने का कूट भी कहा जा सकता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पानी वगैरह का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखिए सिंगदेने का कूट वगैरह अच्छे से डल गया है और एक 4 से 5 मिनट लगेंगे हमें इसे पकाने में, क्योंकि पानी हम लोग नहीं यूज करने वाले हैं तो स्टीम पे पकाएंगे। तो बहुत इजी रेसिपी है ये व्रत के लिए, अभी नवरात्रि के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो जैसे जस्ट 5 से 10 मिनट में ये आप, अगर आपको इमरजेंसी है तो बस 5 मिनट में ये बन जाता है। तो देखिए हमारा जो पोटैटो किस है, आलू का किस, वो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो
तो देखा आपने कितने आसान तरीके से ये बन गया। और इसके ऊपर हम लोग डालेंगे हरा धनिया। बस आलू का किस बनकर तैयार। कभी भी भूख लगी हो तो एकदम फटाफट आप ये बना सकते हो, पेट भी जल्दी से भर जाता है और बनाने भी आसान है बिल्कुल। अब ये मैं सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। तो देखिए हमारा जो आलू का किस है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आपने देखा कि कितने कम इंग्रेडिएंट्स में और जो हमारे पास घर में इजीली अवेलेबल रहता है उससे ही हम लोगों ने ये बनाया है। तो अगर आप दो आलू ले लेते हो तो आपका पेट जल्दी से भर जाएगा और बनाने भी ये बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बस 5 से 10 मिनट में हम लोगों ने ये बना लिया है आपने देखा। और ये मैंने लिया है यहाँ पे उपवास का चिवड़ा, वो डालूंगी थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप ये डालिए, इसे टेस्ट भी अच्छा आएगा। और ये है मेरे पास कुछ पोटैटो चिप्स। तो बस गाइस बनकर तैयार है हमारा आलू का किस। तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसे लगी। तो बहुत सारा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसे ही एक अच्छे से रेसिपी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।